हेलो स्टूडेंट, दिस इज प्रकाश सर फ्रॉम सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट हाई स्कूल। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ माउंटेन। सो दिस इज द फर्स्ट टाइप, फोल्ड माउंटेन। फोल्ड माउंटेन, तो बेसिकली फोल्ड माउंटेन होता क्या है, इस पे डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि माउंटेन बनते कैसे हैं। तो जब भी माउंटेन के बारे में आता है तो आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए। फर्स्ट आपको कंप्रेशन फोर्स और टेंशन फोर्स, इन्हीं दो फोर्स के थ्रू ही माउंटेन जनरेट होते हैं। होता क्या है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो कि अभी शायद आपने नहीं पढ़ी होगी, जैसे ही आपको पता है कि अर्थ जो है वो प्लेटों से मिलके बना है, जैसे ही प्लेट पास पास आती है या प्लेटों के बीच कंप्रेशन होता है अर्थ क्रस्ट की प्लेटों के बीच, तो माउंटेन ओरिजिनेट होते हैं, या टेंशन होता है या प्लेट्स दूर जाती हैं, प्लेट्स का पास पास आना या प्लेट्स का दूर दूर जाना, ये रीजन होता है माउंटेन ओरिजिन का। तो इसी बिहाब पे माउंटेन क्रिएट होते हैं जो कि फोर टाइप के होते हैं, फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक और फॉल्ट माउंटेन, वोल्केनिक माउंटेन और रेसिडुअल माउंटेन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फोल्ड माउंटेन। बेसिकली फोल्ड माउंटेन में होता क्या है कि ये आप यहाँ पे देखिए कि ये प्लेट है, यहाँ से फोर्स अप्लाई हुआ, इस डायरेक्शन से फोर्स अप्लाई हुआ, तो दोनों प्लेटों के बीच कंप्रेशन होगा, कंप्रेशन के बाद ये ऐसे फोल्ड बन जाएंगे। तो ऐसे फोल्ड बनने से जो ये माउंटेन इंड्यूस्ड होता है उसे ही फोल्ड माउंटेन कहते हैं। ये क्यों इंड्यूस्ड होता है, फोल्ड माउंटेन आर फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ कंप्रेशन एंड फोल्डिंग ऑफ द अर्थ क्रस्ट बाय फोर्स जनरेट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। दे आर मेनली एसोसिएटेड विद सेडिमेंट्री रॉक दैट आर एक्सपोज टू हॉरिजेंटल कंप्रेशन। मेनली ये किनसे बनते हैं, सेडिमेंट्री रॉक से, और इन पे जो फोर्स अप्लाई होता है वो किस डायरेक्शन का होता है, हॉरिजेंटल डायरेक्शन का, जैसा कि मैंने बताया है। आप इस वीडियो को देखिए, इस वीडियो में दिखाया गया है कि जब हॉरिजेंटल वे पे फोर्स अप्लाई होता है तो होता क्या है कि माउंटेन ये ऐसे फोल्ड फॉर्म हो जाते हैं। अब ये जो फोल्ड फॉर्म होते हैं वो कैसे हो सकते हैं, या सिमेट्रिक फोल्ड हो सकते हैं, असिमेट्रिक फोल्ड हो सकते हैं, ओवरटर्न फोल्ड हो सकते हैं, रिकम्बेंट फोल्ड हो सकते हैं, या ओवर थ्रस्ट फोल्ड हो सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये फोल्ड जनरेट हो गए हैं। तो यहाँ से आपको समझ में आया होगा कि फोल्ड माउंटेन कैसे इंड्यूस्ड होते हैं। देन फोल्डिंग कंप्रेस द रॉक स्ट्रेटा इंटू अ सीरीज ऑफ वेव लाइक सिंक लाइन डाउन फोल्ड ऑफ द थ्रो एंड एंटिक लाइन अप फोल्ड ऑफ रेट। अब आप यहाँ देखिए, ये मैंने फोल्ड बनाया, तो जो इसमें ये डाउनवर्ड्स है इसको कहते हैं हम सिंक लाइन, और ये जो अपवर्ड्स है जो उठा हुआ भाग है इसको हम कहते हैं एंटिक लाइन। तो जैसे ही फोल्ड माउंटेन जनरेट होते हैं तो ये क्या, कुछ सिंक लाइन फॉर्म में होते हैं, कुछ एंटिक लाइन फॉर्म में जनरेट होते हैं। देन विदाउट ब्रेकिंग ऑफ अ फ्रैक्शन, चलिए इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं ताकि आप देख सकें। देन विदाउट ब्रेकिंग ऑफ फ्रैक्चरिंग द रॉक लेयर द टू आर्म ऑफ द फोल्ड आर कॉल्ड लिम्ब्स। अब यहाँ पे देखिए लिम्ब्स क्या है कि ये अर्थ की लेयर है, ठीक है, ये फोल्ड हो जाती है, दैट मीन कि ये लेयर ऐसे आ जाती है। तो ये लेयर का ये बनना, ये जो रहता है ये लिम्ब्स कहलाता है।
लिम्स बेंड एट डिफरेंट एंगल एट द डिफरेंट टाइप ऑफ फोल्ड। आप यहाँ देख रहे हो कि डिफरेंट टाइप ऑफ फोल्ड के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट एंगल में लिम्स फोल्ड होगी। द मोस्ट स्पेक्टिकुलर फीचर एसोसिएटेड विद फोल्ड माउंटेन इज दैट नेप। अब रहता क्या है कि जो ज्यादा फोल्ड हो जाता है तो वो नेप जनरेट करता है। अब देखिए नेप बेसिकली क्या होता है, आप इस इमेज में देख सकते हैं कि ये जो माउंटेन है, माउंटेन का ये जो एक भाग ऊपर उठा हुआ है जो कि 2 किलोमीटर से लेकर 5 किलोमीटर के एरिया तक उठता है, तो ये जो पार्ट बनता है माउंटेन का ये पार्ट ही नेप कहलाता है। देन नेप आर इनॉर्मस बॉल्वर्स स्लैप लाइक मासेस ऑफ रॉक दैट हैव एक्सट्रैक्टेड इंटू अ ओवर एक्सट्रूड इंटू और ओवर अदर रॉक स्ट्रेटा फॉर कंसिडरेबल डिस्टेंस। अब यहाँ पे एक्सट्रूड का मतलब ही है कि ये उठा हुआ या ऐसे उभरा हुआ भाग निकलना। जैसे कि आप इस इमेज में देख रहे हो तो ये ज़्यादा, ये तो अल्प्स माउंटेन है जो कि यूरोप में है, लेकिन ऐसे ही आपने देखा होगा इससे कुछ कम पार्ट पे, जैसे अगर ये फ्लैट सरफेस है तो यहाँ पे माउंटेन का ऐसे उठ जाना। तो ये जो होता है, ये जो पॉइंट होता है, ये ही हमारा नेप कहलाता है, और ये ज़्यादा उठ जाना ही हमारा एक्सट्रूड कहलाता है। एक्सट्रूड का मतलब होता है कि बाहर की तरफ निकलना या ज़्यादा निकलना। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि फोल्ड माउंटेन कैसे बनते हैं। देन यहाँ पे बताया गया है फोल्ड माउंटेन का एक जो अभी 3.5 मिलियन ईयर वाला जो एग्जांपल है वो है अल्प माउंटेन। अल्प माउंटेन जो बना है वो भी फोल्ड माउंटेन ही है जो कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अकॉर्डिंग बना है। ये यूरोप में है और अभी रिसेंटली 26 जनवरी को आपको पता होगा कि इस पे जो तिरंगा था ना वो आया था, मतलब 3 कलर की इस पे शेडो लाइट डाली गई थी जो कि दूर से ऐसा लग रहा था कि इस माउंटेन पे हमारा तिरंगा लहराया हुआ है। देन कम टू टाइप ऑफ फोल्ड। अब देखिए फोल्ड कितने टाइप के होते हैं। बेसिकली फोल्ड 5 टाइप के होते हैं। एक होता है सिमेट्रिकल फोल्ड, एक होता है असिमेट्रिकल फोल्ड, एक होता है ओवरटर्नड फोल्ड, देन रिकम्बेंट फोल्ड, देन ओवर थ्रस्टेड फोल्ड। अब आप यहाँ पे देखिए फिगर में, जब ये लिम्ब्स एक जैसे होते हैं मतलब सेम हाइट पे इंक्लाइन होता है, सेम हाइट पे एंटीक्लाइन होता है, सॉरी सेम हाइट पे सिंक्लाइन होता है, सेम हाइट पे एंटीक्लाइन होता है, मतलब जो फोल्ड रहता है वो सेम चलता है, मतलब उतना ही ऊंचा उतना ही गहरा ऐसे, तो वो कहलाता है हमारा सिमेट्रिकल फोल्ड। अब अगर फोल्ड थोड़ा सा टर्न होता है दैट मीन के एंटीक्लाइन ज़्यादा होता है सिंक्लाइन कम होता है, या कहीं सिंक्लाइन ज़्यादा होता है एंटीक्लाइन कम होता है, तो इस टाइप से फोल्ड चलता है तो वो कहलाता है हमारा असिमेट्रिकल फोल्ड। अब यहाँ पे आप देख रहे हो जब जो लेयर है अर्थ की वो ज़्यादा टर्न हो जाती हैं, मीन्स ज़्यादा टर्न हो जाती हैं लाइक ऐसे, तो वो कहलाती है हमारी ओवर फोल्ड। और जब बहुत ज़्यादा ही टर्न हो जाती हैं ये लेयर के अनादर लेयर को टच करने लगती हैं तो ये बनता है हमारा रिकम्बेंट। और जब जो फोल्ड होता है, जो लिम्स होते हैं वो इतने ज़्यादा टर्न हो जाते हैं कि वो ओवरलैप कर जाते हैं वन लेयर टू अनादर लेयर, तो वो होता है हमारा ओवर थ्रस्ट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। देन देयर आर टू काइंड ऑफ माउंटेन। जो माउंटेन होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक होता है यंग फोल्ड माउंटेन और देन एक होता है ओल्ड फोल्ड माउंटेन। अब ओल्ड फोल्ड माउंटेन की बात करें तो इंडिया में जो अरावली रेंज है वो ओल्ड फोल्ड माउंटेन में आती है, और जो यंग फोल्ड माउंटेन की बात करते हैं तो उसमें अल्प्स माउंटेन जो कि यूरोप में है और हिमालय जो कि एशिया में है। द यंग फोल्ड माउंटेन वर फॉर्म द लास्ट 100 मिलियन ईयर, जो
जो यंग फोल्ड माउंटेन रहते हैं वो लगभग 100 मिलियन ईयर के टाइम पीरियड के होते हैं। दे आर मोस्टली फाउंड अलोंग द बॉर्डर्स ऑफ द कॉन्टिनेंट वेयर सबडक्शन जोन्स ऑकर। ये एक्चुअल में होते कहाँ है, जो कि कॉन्टिनेंट्स के बॉर्डर होते हैं वहाँ पे, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जो भी हमारे अर्थ पे जितना भी अर्थ का पार्ट बचा हुआ है, दैट मीन के लैंड बचा हुआ है, वो सारा प्लेटों से बना हुआ है। जैसे ये प्लेट या तो क्या होते हैं, मैंने बताया कि या तो ये कंप्रेस्ड होते हैं या टेंशन होते हैं। तो कंप्रेस होते हैं तो भी ये माउंटेन क्रिएट हो जाएंगे, जैसे कि ये है, ये लेयर है, ये पास में आएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे भाग उठ जाएगा। तो इसीलिए ये जो फोल्ड माउंटेन रहते हैं ये मोस्ट ऑफ बॉर्डर पे ही बनते हैं, किसके, कॉन्टिनेंट्स के। देयर आर टू यंग फोल्ड माउंटेन सिस्टम, यहाँ पे दो यंग फोल्ड माउंटेन भी बताए गए हैं अर्थ पे। वन सर्किल ऑफ द पैसिफिक ओशन रीचिंग इट्स ग्रेट हाइट इन द एंडीज को, देन द अदर एक्सटेंड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट थ्रू यूरोप एंड एशिया एंड इंक्लूड द अल्प्स एट द हिमालय, जो कि मैंने आपको पहले बताया है कि यूरोप में अल्प्स और एशिया में हिमालय। विद इन ईच फोल्ड माउंटेन देयर आर लॉन्ग पैरेलल माउंटेन रेंज इंटरसेपरेट विथ हाई प्लेटोस एंड डीप वैली। इनके साथ साथ कुछ लॉन्ग रेंज के माउंटेन और प्लेटोस और डीप वैली भी क्रिएट होती हैं। यहाँ पे बताया गया है दे आर हाई इन एल्टीट्यूड, जो कि ऊंचाई में ज्यादा रहते हैं, कैरेक्टराइज्ड बाय स्टीप, जो कि स्टीप स्लोप पे रहते हैं, ऐसे लॉफ्टी स्लोप एंड रग टार्टन, यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारे। देन रॉकीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में रॉकी माउंटेन, द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑफ ऑस्ट्रेलिया, जो कि ऑस्ट्रेलिया को डिवाइड करता है, द एटलस माउंटेन आर सम यंग फोल्ड माउंटेन। एटलस माउंटेन है वो भी यंग फोल्ड माउंटेन का ही एग्जाम्पल है। ओल्ड फोल्ड माउंटेन वर फॉर्म अलॉन्ग द ओल्ड प्लेट मार्जिन, जो ओल्ड फोल्ड माउंटेन थे वो ओल्ड प्लेट मार्जिन के थ्रू ही इंड्यूस्ड हुए थे। आपको पता है कि कंबेरियन टाइम पे जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अकॉर्डिंग जो जनरेट हुए होंगे, तो उस टाइम पे जो माउंटेन क्रिएट हुए थे वो ओल्ड माउंटेन के फॉर्म में इंड्यूस्ड हुए थे। दे वर कंपेरेटली लोअर इन एल्टीट्यूड, जो कि एल्टीट्यूड में लो रहते हैं, कैरेक्टर्स बाय राउंडेड एंड पीक पे राउंड रहते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो कि पीक पे ये राउंड है, पीक पे राउंड होने का मतलब कि जनरली होता तो ऐसा पीक है माउंटेन का, बट पीक पे राउंड होना जब पीक ऐसे हो जाता है, स्लोप में हो जाता है। देन फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ एरोजन एंड हेंस हैव जेंटल स्लोप, और ये जो पीक पे राउंड होता है ये एरोजन की वजह से होता है, मीन्स यहाँ की जो ये पीक थी ये धीमे धीमे घिसती गई, किसके थ्रू, बाय एयर स्टॉर्म के थ्रू, थंडर स्टॉर्म के थ्रू। तो होता क्या है, जनरली ये ऐसे राउंड शेप में आ जाती है। द कैलेडोनियम माउंटेन ऑफ स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड का कैलेडोनियम माउंटेन ओल्ड माउंटेन रेंज का एग्जांपल है। द यूराल ऑफ रसिया, रसिया का यूराल माउंटेन। देन नॉर्थ अमेरिका एंड द अरावली इन इंडिया, मैंने आपको बताया है कि इंडिया में ओल्ड माउंटेन का जो एग्जांपल वो अरावली है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ब्लॉक और फॉल्ट माउंटेन के बारे में। थैंक यू।